गुरु पूर्णिमा की विशेष खबर नरसिंहपुर जिला गाडरवारा से। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की संख्या में भक्त करते हैं दर्शन दादाजी धुनी वाले के मंदिर में। 3000 साल पुराने वृक्ष की पामी में निकले थे शिव अवतारी दादाजी धुनी वाले। भारतवर्ष में यूं तो संतों की चर्चा कहानी वेद पुराणों में सुनाई पड़ती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे संत की कहानी बता रहे हैं जिन्हें भारतवर्ष में दादाजी धुनी वाले के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने लीला कर खंडवा मध्य प्रदेश में जाकर समाधि ली, जहां पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लाखों भक्त दर्शन करने जाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, दादाजी धुनी वाले जिन्हें भक्त केशावानंद भी कहते हैं, वो मां नर्मदा के बड़े भक्त गौरीशंकर महाराज की जमात में अक्सर चला करते थे। महान संत गौरीशंकर महाराज की जमात मां नर्मदा की परिक्रमा किया करती थी। इस जमात में दादाजी भोजन प्रसादी भजन कीर्तन किया करते थे। माना जाता है मां नर्मदा परिक्रमा में दादाजी धुनी वाले नरसिंहपुर जिला साई खेड़ा विकास खंड में आने वाली ग्राम पंचायत सिरसिरी संदूक के पास 1 किलोमीटर की दूरी पर 3000 साल पुराना वट वृक्ष मां नर्मदा के पास है। उस वट वृक्ष के नीचे संत दादाजी धुनी वाले ने अपना स्थान बना लिया था। कई साल बीत जाने के बाद एक चरवाहा को वट वृक्ष के नीचे बामी में सर्वप्रथम दादाजी धुनी वालों ने दर्शन दिए। वहां से दादाजी धुनी वाले की लीला चालू हुई। संदूक आसपास के ग्राम के नागरिकों ने वट वृक्ष के नीचे बामी में से दादाजी धुनी वाले को निकाला। फिर दादाजी धुनी वाले साई खेड़ा नगर में कड़ी मोहल्ले में स्थान बनवा कर अपनी धुनी लगाकर वहां पर लीलाएं करने लगे। हजारों भक्तों की मनोकामना वहां पर पूरी हुई। भारतवर्ष में दादाजी के अनेक स्थान हैं, पर साई खेड़ा नगर में 2 स्थान हैं। एक पुराना मंदिर दादाजी धुनी वाले का और दूसरा नया मंदिर जो छोटे सरकार द्वारा SH 44 गाडरवारा रोड के पास बना हुआ है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर झंडा निशान चढ़ाने की परंपरा कई सालों से होती आई है। जबलपुर छिंदवाड़ा बैतूल खंडवा खेड़ी घाट और पूरे नरसिंहपुर जिले के भक्तों द्वारा गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। दादा धुनी वाले के साथ हमेशा उनके शिष्य छोटे दादाजी हरिहर महाराज रहा करते थे, जो दादाजी की सेवाएं करते थे, जिन्होंने अपनी लीलाओं को करके मध्य प्रदेश के खंडवा में जाकर समाधि ली। खंडवा के मंदिर में दादाजी धुनी वाले और हरिहर दादाजी की समाधि स्थल है, जहां पर लाखों की संख्या में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भक्त गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाते हैं। दादा धुनी वाले की लीलाओं में हम आपको बताएं, दादाजी धुनी वाले केशवानंद एक ऐसे संत थे जिन्होंने भगवान शिव अवतारी कहा जाता है। उन्होंने एक बार दिल्ली में चल रहे गांधी जी के भाषण लकड़ी के खंभे में भक्तों को साई खेड़ा नगर में सुनाई दिए थे। दादाजी धुनी वाले जल्दी धुनी में मां नर्मदा का जल डाल करते थे और अग्नि मैया बड़ा रूप ले लिया करती थी, चलती रहती थी। गुरु पूर्णिमा पर्व दादाजी धुनी वाले के भक्तों के लिए एक बड़ा उत्सव है, जो कि नगर साई खेड़ा में मनाया जाएगा। विराट न्यूज मध्य प्रदेश चैनल के मध्य से हम यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश मीडिया प्रभारी विनोद चौकसे ने दादा धुनी वाले का पहला स्थान वट वृक्ष से लेकर मंदिर तक एक दर्शन आपको बताया है। मध्य प्रदेश नरसिंहपुर जिला के नगर साईखेड़ा में गुरु पूर्णिमा उत्सव दादा धुनी वाले के मंदिर में बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से मनाया जाता है। माना जाता है दादाजी के जो दर्शन करता है अग्नि मैया में नारियल भेंट करता है, श्रद्धा से चढ़ाता है, उसकी हर मनोकामना दादाजी पूरी करते हैं। आज भी सभी भक्त सुबह शाम एक ही भजन दादाजी के सामने सच्ची पूजा पाठ भक्ति से करते हैं। भजलो दादाजी का नाम, भजलो हरिहर जी का नाम, मां नर्मदे हर हर।